हेलो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज जाननी कि हमारी ड्राइंग्स दो टाइप की होती है, एक होती है रेगुलर ड्राइंग्स, एक होती है इररेगुलर। रेगुलर मतलब जो एक फिक्स टाइम के बाद करी जाए, यानी समझो फॉर एग्जाम्पल मैं किसी फॉर्म में पार्टनर हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, हर मंथ की स्टार्टिंग में यानी हर मंथ की फर्स्ट डेट को मैं पैसे निकाल रहा हूँ, दैट इज रेगुलर ड्रॉइंग। या हर मंथ की 15th को निकाल रहा हूँ या हर मंथ के एंड में निकाल रहा हूँ, राइट। पर इरेगुलर क्या है, जो कभी भी कर दे। फॉर एग्जाम्पल मैंने अप्रैल में ड्रॉइंग कर ली, फिर मैंने सीधा अगस्त में ड्रॉइंग करी, अगस्त 15 को, फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने 30 सितंबर को करा, है ना। तो कोई पैटर्न है, अप्रैल अगस्त फिर सितंबर, फिक्स गैप नहीं है ना, सो दैट इज कॉल्ड इरेगुलर ड्रॉइंग। अब रेगुलर ड्रॉइंग क्या, हमारे फॉर्मूला होता है आईओडी कैलकुलेट करने का। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है टोटल ड्रॉइंग्स इनटू एवरेज टाइम इनटू 1/12 इनटू परसेंट अपॉन 100। जिसमें मेन पॉइंट है वो एवरेज टाइम का है, जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो एवरेज टाइम में आती है। अब एवरेज टाइम कैसे निकालना है, इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज टाइम का जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। अब कैसे ये होगा, मैं इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। इसके लिए पिक कर रहा हूं मैं इस बार डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 24 का ए पार्ट। क्या है, गोपाल इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रॉ ₹1000 पर मंथ रेगुलरली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर। गोपाल एक पार्टनर है, वो क्या कर रहा है, हर महीने की स्टार्टिंग में यानी हर महीने की फर्स्ट डेट को वो ₹1000 की ड्रॉइंग्स कर रहा है, राइट। तो पहले जल्दी से ये बताओ टोटल कितनी ड्रॉइंग्स करेगा, सिंपल है 12,000, ₹1000 हर महीना, तो 1000 × 12। आगे इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज एट 15% पर एनम, अगर आईओडी 15% पर एनम है, कैलकुलेट द आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है। तो देखो एक बार आईओडी का दोबारा फॉर्मूला लिखते हैं हम, क्या होता है टोटल ड्रॉइंग्स इनटू में एवरेज टाइम इनटू 1/12 इनटू परसेंट अपॉन 100। अब मेन इसको कैलकुलेट करना है। एक छोटा सा पॉइंट और, इस वीडियो में आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, गारंटी है मेरी एवरेज टाइम निकालने का बहुत इजी तरीका बताऊंगा, क्योंकि बच्चों को उसी में गलती होती है। एवरेज टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहले ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, इसको समझाने के लिए अभी एवरेज टाइम नहीं बता रहा, अभी तो मैं फॉर्मूले से बताऊंगा, इजी तरीका बाकी है। देखो फर्स्ट अप्रैल फिर फर्स्ट में कर देते हैं, फर्स्ट में, फर्स्ट जून, फर्स्ट जुलाई, फर्स्ट अगस्त, फर्स्ट सितंबर, फर्स्ट अक्टूबर, फर्स्ट नवंबर, फर्स्ट दिसंबर, फर्स्ट जैन, फर्स्ट फेब, फर्स्ट मार्च और 31 मार्च। बट एक बात जान लो, फर्स्ट मई बोलूँ या 30 अप्रैल बोलूँ, बात एक ही है, अप्रैल का एंड और मई की स्टार्ट, ठीक है। तो आओ अब जरा समझते हैं,
कब निकाल रहे हैं? हर महीने की फर्स्ट डेट को, यानी फर्स्ट अप्रैल, फर्स्ट मई, फर्स्ट जून, राइट। अब फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, पहली ड्रॉइंग के बाद कितने महीने बाकी रह गए? भाई देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप जब फर्स्ट अप्रैल को पैसा निकालोगे, कितने महीने रह गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, पूरे पूरे 12 महीने। तो क्या हो गया? 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, आखिरी ड्रॉइंग के बाद कितना टाइम बच गया? आखिरी ड्रॉइंग कब होगी? मार्च के फर्स्ट में, ठीक है, यानी फर्स्ट मार्च। कितना महीना बाकी है? अभी भी पूरा का पूरा मार्च बाकी है। 12 + 1/2 कितना आ गया? 13/2। टोटल ड्रॉइंग्स कितनी है? 12,000। आईओडी निकाल लेते हैं, आईओडी टोटल ड्रॉइंग्स 12,000 हो जाएगी, 1,000 रुपये हर महीना, तो यानी 12 महीने इंटू एवरेज टाइम 13/2 इंटू 1/12 कितना परसेंट है? 15%, 15/100। इसको सॉल्व कर लो, पहले बता रहा हूँ 975 ही आएगा, ओके। अब मैं चाहूंगा आप वीडियो को पॉज करके ना क्वेश्चन 44 के अंदर जरा एवरेज टाइम निकालो और आईओडी निकालो, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अब मैं टेबल के थ्रू समझाऊंगा एवरेज टाइम, तो पॉज इट ना। तो आई होप आपसे क्वेश्चन हो गया हो, नहीं हुआ एक बार चेक करो कि आप एवरेज टाइम किस वे में निकाल रहे हो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मेरी क्या ट्रिक है। हाँ जी, सबसे पहला केस लेते हैं, इफ यू विड्रू ₹7500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो पहले क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर मतलब 3 मंथ, ठीक है। तो कितने? 1, 2, 3, एक क्वार्टर यहाँ पे कंप्लीट होगा यहां से यहां तक का, फिर 1, 2, 3 एक यहाँ पे कंप्लीट होगा, देन यहाँ और लास्ट यहाँ पर। तो बिगिनिंग यानी हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में, हर क्वार्टर की स्टार्टिंग क्या हो जाएगी? अब फर्स्ट क्वार्टर की फर्स्ट डेट को जब आपने पैसे निकाले, कितने मंथ बाकी रह गए? पूरे के पूरे 12 महीने, राइट, 12। लास्ट क्वार्टर 1, 2, 3, इसकी स्टार्टिंग में कितने महीने रह गए? 12 + 3/2, ये तो इजीली निकल गया होगा, प्रॉब्लम कहाँ ही होगी? मिडल और एंड में। अच्छा, टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी? टोटल ड्राइंग्स एक बार में 7500, तो टोटल कितनी बार निकाला? 4 times, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 7500 × 4 30,000। कैलकुलेट तो आप कर लोगे, मैं इस पे नहीं आ रहा। अब जरा मैं बताता हूँ कि मैं एवरेज टाइम कैसे निकालूंगा डिफरेंट केसेस में। देखो बेटा, या तो वो फॉर्मूला लगा लो जो पढ़ाया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, या मैं दूसरा बताने जा रहा हूं। क्या है? बिगिनिंग है, ध्यान सुनना बेटा, बिगिनिंग है, अगर स्टार्टिंग है तो 12 प्लस, मिडल है तो सीधा 12, और एंड है तो 12 माइनस। सर मतलब समझाता हूँ, 12 + 1, 3 या 6, इसका एज इट इज, इसका 12 - 1, 3 या 6। सर अब ये क्या चीज़ है? अपॉन 2, ये फॉर्मूला समझो, 12 में ऐड कर देना 1, मंथली मतलब एक महीना, राइट, मंथली है तो 1, क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं? 3, तो 3, हाफ ईयरली अगर हर 6-6 महीने में निकाल रहे तो 6, अगर बिगिनिंग है तो 12 प्लस क्या कर दो, फॉर्मूला क्या बना दो बेटा, आओ यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर्मूला क्या बनेगा अगर बिगिनिंग में है मंथली का? 12 + 1, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, 12 + 1/2, राइट। अगर ये चीज क्वार्टर में है तो 12 + 3/2, यानी ये हो गया 13/2, 15/2, हाफ ईयर लिए हर 6 महीने में तो 12 + 6/2, यानी 18/2, दैट इज 9, ओके।
अब अगर एंड में होता तो क्या, बस माइनस कर दो, मंथली तो माइनस करना है 1, 12 माइनस 1/2 यानी आगे 11/2, क्वार्टरली तो 3 माइनस करेंगे 12 माइनस 3/2 कितना आ जाएगा 9/2, लास्ट हाफ ईयर लिए तो 12 माइनस 6/2 दैट इज 3, और अगर मिडल है बीच में निकाल रहे हो इसका सीधा सा है, इसका तो हर बार 12/2 कर देना, 12/2 यानी 6 6 और 6, ओके एक सेकंड हम इसे थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेंगे अभी, हल्का से छोटा कर लेते हैं, आ गया। ये मत सोचना बस इतने में होके वीडियो रोक दो यहां पर और कि हाँ अब आ गया कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा पॉइंट और आएगा अभी वो सिखाऊंगा। अब एक बार इस क्वेश्चन को करके देख लो, अब एवरेज टाइम निकाल लो, जो मर्जी कर लो, क्वेश्चन हो जाएगा आईओडी जिसका क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट केस में सीधा सा 30,000 इंटू में एवरेज टाइम 15/2 इंटू में कितना परसेंट 10/100 इंटू 1/12, कैलकुलेशन पार्ट आप खुद करना, एंड है तो एवरेज टाइम क्या लेना है, ये हो गया। अब इसके बाद एक न्यू वैरायटी, अब जरा यहां पर एक ट्विस्ट आएगा वो देखते हैं, एक बार 27 को अटेम्प्ट करो वीडियो पॉज करके, मैं अपना माइक ऑन करना भूल गया था सॉरी। क्वेश्चन 27 ऑन हो गया, गुप्ता इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही ड्रू रेगुलरली ₹800 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months एंडेड 31st March 2022। गुप्ता पार्टनर है, वो ₹800 निकाल रहा है हर महीने की स्टार्टिंग में फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months, कितने महीने तक पैसा निकाल रहा है, सिर्फ 6 months तक। अब यहां क्या होगा, यहां एवरेज टाइम कैसे निकालेंगे वो समझाता हूं। देखो अभी तक पिछला जो क्वेश्चन था, जो पिछला क्वेश्चन था यहां पार्टनर पूरे साल निकाल रहा है 12 महीने के लिए, बट अब जो काम है वो कितने टाइम के लिए, सिर्फ 6 months के लिए। तो पहले तो ये बता दो टोटल ड्रॉइंग्स हो कितनी जाएगी, टोटल ड्रॉइंग्स 800 इंटू में 6, राइट, क्योंकि 6 महीने तक पैसा निकाल रहे 4800, अब 4800 की ड्रॉइंग्स तो हो जाएगी, बट मेन पॉइंट अब यहां पर आता है कि एवरेज टाइम कैसे निकाले। तो एवरेज टाइम मैं इसी वे से बताऊंगा जैसे पहले बताया था, देखो आपको याद ही होगा हमने करा था 12 + 1 = 36, राइट, इस बार क्या करना है, इस बार 12 की जगह 6 करने हैं, मतलब इस बार 6 + 1 = 36 कर देना है, वैसे 6 तो इस बार आएगा ही नहीं, ठीक है, इस बार 6 + 1 = 36 वैसे 6 आएगा नहीं क्योंकि 6 महीने का जब टोटल टाइम है तो आप कहां से उससे कम ले लोगे, तो मैं फिर भी लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, हाफ ईयरली वैसे यहां पे बैठेगा नहीं तो अभी इसे डिलीट कर लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा अगर आपका बिगिनिंग है स्टार्टिंग में है मंथली तो क्या होगा 6 + 1/2 यानी 7/2, मिडल है अगेन मिडल का तो सेम तरीका क्या 6/2 कर दो और एंड का है तो 6 - 1 मिडिल में तो 6/2 3 रहेगा एंड में 6 - 1/2 यानी 5/2। ऐसा क्या हो रहा है इस पॉइंट को ध्यान से समझना है बेटा, पॉइंट ये है कि जो टोटल टाइम पीरियड है हम उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे पिछले क्वेश्चन में 12 था कि टोटल ड्रॉइंग्स कितने टाइम के लिए हो रही है 12 महीने तक हो रही है, राइट, तो 12 लिया, बट दिस टाइम ये कितने टाइम के लिए हो रही है, सिर्फ
सिक्स मंथ्स के लिए तो सिक्स लेंगे सर, अगर इसी तरह मान लो आठ महीने के लिए तो बेटा एट ले लेना, सर नाइन मंथ्स के लिए तो बेटा नाइन ले लेना, सिंपल टेक्निक। पॉइंट क्लियर हो गया? अभी दिखाऊंगा वो क्वेश्चन भी आएगा। क्वार्टरली तो सिक्स प्लस थ्री बाय टू यानी नाइन बाय टू, सिक्स बाय टू थ्री, सिक्स माइनस थ्री बाय टू दैट इज थ्री बाय टू। ओके, अब एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हमारा कितना टाइम था, बिगिनिंग वाला तो हर बार कर लेते हैं, इस बार थोड़ा टफ वाला करते हैं। कौन सा करें, एंडिंग वाला करते हैं इस बार, चेक करें एंडिंग से आंसर आता है या कोई एरर हो रहा है। तो 800 इंटू सिक्स 4800, एवरेज टाइम क्या हो जाएगा, एंड है कितने टाइम की है, सिक्स मंथ्स की, तो सिंपल है सिक्स, एंड है तो माइनस, कैसी हो रही है, मंथली है क्वार्टरली है, एंड ऑफ एवरी मंथ, मंथली ड्रॉइंग है। तो सिक्स माइनस वन बाय टू यानी कितना आ गया, फाइव बाय टू। आओ आईडी निकालते हैं, टोटल ड्रॉइंग्स 4800 इंटू एवरेज टाइम फाइव बाय टू। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ, हो सकता है आपके टीचर्स आपको बोले कि बेटा 5 बाय 2 को 2.5 लिखो, हो सकता है उन्होंने एक टेबल बनवाई हो जिसमें 2.5 लिखवाया है, कोई इशू नहीं है, बट अगर आप इसे फ्रैक्शन में रखोगे आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे इंस्टेड ऑफ 2.5। तो 4800 इंटू 5 बाय 2 इंटू 1 बाय 12 इंटू परसेंट हमारा 15%। तो आओ कैलकुलेट कर लो इसे, कितना हो जाएगा आपका, वैसे दो जीरो ये कैंसिल हो गए, 12 फोर पे 2, तो 2 इंटू 5 इंटू 15, 2 5 10 और 150 रुपीज। चेक कर लो, अब पॉइंट क्लियर हुआ। एक और छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, फिर मेरे को बताना कि आपको कॉन्सेप्ट आया नहीं आया। अब मान लो आपका 9 मंथ्स का हो तो कैसे होगा, मेरे को अभी क्वेश्चन डिस्प्ले करना पड़ेगा स्क्रीन पे। जिस तरह आपके सामने ये क्वेश्चन है 28 ए, क्या है, ए बी सी स्टार्ट बिजनेस ऑन 1st जुलाई, ए बी सी ने बिजनेस 1st जुलाई से स्टार्ट करा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 9% पर एनम है फॉर 9 मंथ्स एंडिंग 31st मार्च 2021। 9 मंथ्स का है, 31st मार्च को एंड होना है। इफ यू विड्रॉ रुपीज 10,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब जरा आई होप इसका आंसर भी मैंने दिखा दिया, एक बार निकाल ले एवरेज टाइम इसका भी। आओ बेटा वही टेक्निक, क्या इस बार हम क्या करेंगे, नाइन नाइन प्लस वन